फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का ही देश का प्रमुख व्यावसायिक नगर है। समय समय पर मैं यहाँ पर आता रहता हूँ। यहाँ के व्यापारियों की, उद्यमियों की, आम जनमानस की समस्याओं के लिए जो आवश्यक है, राज्य सरकार द्वारा जो जो नीतियाँ लागू की जाती हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्यापारियों, उद्यमियों को, नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं अथवा कोई और समस्या तो नहीं है, इसके लिए तरह तरह की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक जिले का प्रवास मेरा लगता रहता है। उसी क्रम में फिरोजाबाद मेरा आना हुआ है। मेरे साथ मेरे उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य और गोरक्षपीठ के ट्रस्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के परम स्नेही मित्र श्री जवाहर प्रसाद कसौधन जी भी साथ में हैं। जवाहर प्रसाद जी बोर्ड में सदस्य के साथ साथ मुख्यमंत्री का दर्जा भी आपको प्राप्त है। देखा जा रहा है कोरोना काल के बाद में व्यापार में एकदम गिरावट आई है, तो फिरोजाबाद की चूड़ी उद्योगों के लिए आपने क्या नई नीतियाँ सरकार द्वारा की जा रही है? हमने इस फैजाबाद की जितना भी तैयार माल है इनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग एरिया दिल्ली NCR में, दिल्ली और नोएडा के पास में NCR में गाजियाबाद के बीच में एक बड़ी जगह पर प्रारंभ किया है, जिसमें जितनी भी चीज़ों का उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था और जिनका उत्पादन बड़ी संख्या में होता है और काफ़ी बड़ी संख्या में वो लोगों को रोज़गार देते हैं, ऐसे सभी व्यवसायियों को और एक्सपोर्टर्स को वहाँ पर जिस जगह की किराए में प्रतिदिन में लाखों रुपए की किराए की कीमत होती है उसको निःशुल्क देने का प्राविधान किया है। और उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सभी विभागों में 25% उत्तर प्रदेश का उत्पादन खरीदा जाए, ये व्यवस्था हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करी है। उसके अंतर्गत फैजाबाद के बना हुआ कांच के उद्योग, कांच का जो भी चाहे बर्तन हो चाहे अन्य चीज़ें हैं, चूड़ियाँ महिलाओं के उपयोग में आती हैं, उसके अतिरिक्त जो सप्लाई के काम हैं और बाकी सारे काम में 25% की खरीदारी को निश्चित किया है कि अनिवार्य रूप से सभी सरकारी विभागों को उत्तर प्रदेश के उत्पादों को खरीदना होगा। इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट प्रदेश के सारे राज्यों को के विभागों को उस स्थल पर हमने, जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से, यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से वहाँ पर एक फेयर लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सारे देश के लोग और इसके अतिरिक्त उन 27-28 देशों के लोग भी उसमें आ रहे हैं, जहाँ पर विशेष रूप से निर्यात भारत में बनी हुई वस्तुओं का होता था, उन सभी के खरीदारों को हम बुला करके रोज व्यावसायिक स्थल उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में सबसे ज़्यादा वर्ग मध्यम वर्ग के दुकानदारों को बढ़ाए, सरकार उनके लिए क्या कार्य कर रही है? सारा कार्य तो सरकार उन्हीं के लिए कर रही है, सभी वर्ग के लिए कर रही है। मध्यम वर्ग के दुकानदारों को हमने तमाम तरह की सुविधाएँ दी हैं। मध्यम वर्ग के दुकानदारों को हमने एक माह का बिजली का बिल माफ़ किया है, एक और उसके अतिरिक्त सरचार्ज माफ़ किया है। अभी एक और योजना उनके लिए आने के लिए प्रचलित है। इसके अतिरिक्त उनको आसानी के साथ में उनको 20% तक का इंक्रीमेंट, 20% तक का उनके सीसी लिमिट बढ़ाए जाने का प्राविधान हमने किया है, जो बगैर किसी बैंक गारंटी के उनके पिछले व्यवसाय के आधार पर 20% तक की लिमिट बैंक की बिजनेस करने के लिए उनकी बढ़ाई जाएगी। प्राय देखा जा रहा है व्यापारियों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये ऐसी किसी भी घटना को, कोई भी आपराधिक घटना अगर हो गई उसको तत्काल खुलवा करके और अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं और उनका अनुपालन कराना प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य है। उसमें अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो बख्शा नहीं जाएगा वो अधिकारी। एक एक व्यापारी और एक एक आम जनता की सुरक्षा करना सरकार का और जिला प्रशासन का पहला कर्तव्य है। अगर अब उस कार्य में जो भी असफल साबित होता है उस अधिकारी को कुर्सी पर नहीं रहने दिया जाएगा। कभी कभी नौबत पड़ती है कि व्यापारी को इकट्ठा होकर बाजार बंद और अपनी मांगों को रखना पड़ता है ऐसी क्रिया करने के लिए, उस पर क्या नज़र है आपकी, कितने ऐसे किसी भी मामले को अगर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के संज्ञान में लाया जाएगा उस घटना पर विशेषकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, मेरे बोर्ड में 8 अपर मुख्य सचिव और 7 प्रमुख सचिव मेरे मातहत बोर्ड में सदस्य हैं, गृह गोपन सहित MSME और सभी अनेक महत्वपूर्ण विभाग जिनकी आप बात कर रहे हैं, उस सारे ही मेरे बोर्ड के सदस्य हैं और मेरे प्रति उत्तरदायी हैं। अगर ऐसी कोई भी घटना होगी तो तुरंत जिला प्रशासन के उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ, सभी विभागों के खिलाफ, ये चेतावनी है मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उनके खिलाफ तुरंत कठोर कदम उठाया जाए और कार्रवाई करी जाएगी और उत्पीड़न किए गए व्यापारी को सरकार पूरी सहायता प्रदान करेगी। हमने किसी भी व्यापारी की, अगर वो GST रजिस्टर्ड है,
ईश्वर न करे अगर उसके साथ दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाने का प्राविधान कर दिया है।